फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संध्या डांस कवर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम सेलिब्रेट करते हैं हरियाली तीज। ताकि कई महिलाएं अभी से हरियाली तीज की तैयारियों में लग चुकी होंगी, तो हरियाली तीज में हम डांस, गाना, बजाना ये सब करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्रृंगार से रिलेटेड स्टेप्स, क्योंकि हरियाली तीज में हम पूरे रेडी होके सज संवर के पूरे श्रृंगार के साथ जाते हैं और श्रृंगार से रिलेटेड सॉन्ग्स में डांस करते हैं। सॉन्ग्स में चूड़ी, बिंदी, पायल, झुमका, मेहंदी से रिलेटेड वर्ड्स यूज होते हैं। जो आज मैं स्टेप्स बताऊंगी, ये स्टेप और राउंडर स्टेप्स हैं, इनको आप उन सॉन्ग्स में फिट करिएगा। यूनिवर्सल स्टेप्स हैं, यूनिक स्टेप्स हैं, इनको आप फिट करिएगा। चाहे आप हरियाली तीज में सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप वेडिंग्स में कर रहे हैं, कहीं पर भी इन वर्ड्स का यूज होता है, आप इन स्टेप्स को करिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, विस्तार से देखें। तो लेट्स गो। जैसे कि हमारे सॉन्ग्स में आती है लिरिक्स पायल से रिलेटेड, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, जैसे आती है हमने पायल है छनकाई, या आती है पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, तो इस टाइम पे हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको लैग पोजीशन बताती हूँ। लैग पोजीशन होगी 1 and 2, 3 and 4। ओके फ्रेंड, 1, 2, 3 and 4। ओके फ्रेंड, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, आगे भी निकाल के कर सकते हैं 1, 2, 3 and 4। या ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2, 3 and 4। हम डिपिंग भी कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा वो डिपिंग करके भी हाथों से एक्शन कर सकते हैं। हैंड्स का वर्क हमारा कुछ इस तरह होगा, हमें करना है जैसे आया पायल ने मचाया शो, तो कर सकते हैं पायल ने मचाया शो। ओके फ्रेंड्स, एक हैंड से भी कर सकते हैं, दोनों हैंड से भी कर सकते हैं, पायल ने मचाया शो। ओके फ्रेंड, या हम आगे को भी कर सकते हैं, पायल ने मचाया शो। जिसको कुछ नहीं आ रहा वो अपने हाथों को अपने पाँव की तरफ इशारा करके कर सकता है और अपने पाँव को आगे पीछे। ओके फ्रेंड, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। ओके फ्रेंड, हमें डिपिंग करनी है 1, 2, 3, 4। ऐसे भी कर सकते हैं या हम अपने पाँव को बाहर को भी हल्का सा निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं आपको सारे स्टेप्स को लैग के साथ करके बताती हूँ। तो हमें करना है पायल ने मचाया शोर, पायल ने मचाया शोर, मैंने पायल है छनकाई, मैंने पायल छनकाई, मैंने है छनकाई। ओके फ्रेंड, तो ये तो था हमारे पायल से रिलेटेड स्टेप, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी लिरिक्स में पायल आता है, आपको कुछ नहीं आता तो आपको सिंपली अपने हैंड्स को पाँव की तरफ ऐसे करना है, या एक हैंड को कर लो या दो हैंड को कर लो, बस अपने पाँव को हल्का सा या तो ऐसे कर लो या तो एक ही जगह पे डिपिंग कर लो। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर लिरिक्स में आ रहा है चूड़ी, जैसे आ रहा है चूड़ी मजा न देगी, या आ रहा है मैंने चूड़ी है कनकाई, चूड़ी से रिलेटेड सॉन्ग्स में जितने भी लिरिक्स हैं उनमें हमें इन स्टेप्स को करना है। सबसे पहले मैं आपको फुटवर्क बताती हूँ। तो फुटवर्क सिंपली 1, 2, 3, 4 हमें डिपिंग करनी है, या हम 1, 2, 3, 4। ओके फ्रेंड, या एक जगह पे भी। ओके फ्रेंड, हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली तो हमारा हैंड्स का वर्क रहेगा, तो हमें अपने हैंड्स को, दोनों हैंड्स को करना है ऐसे 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या हम ऐसे कर सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके फ्रेंड, हम इस तरह भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम हरियाली तीज में जाते हैं तो हम भरे भरे हाथ रखते हैं, अपने चूड़िया हमारी फुल रहती है, तो उस टाइम पे कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम इस स्टेप को करेंगे तो हम अपने
थोड़ा सा अपने गर्दन को भी हिलाना है। ओके फ्रेंड, हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 and 4, या हम कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है। ओके फ्रेंड, आपको मैं सारे स्टेप्स को लैग पोजीशन के साथ करके बताती हूँ। तो हमें करना है, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न दे, बोल चूड़िया बोल कंगना, बोल चूड़िया बोल कंगना, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया है। ओके फ्रेंड, तो ये तो थे चूड़ी से रिलेटेड जितने भी लिरिक्स हैं, उनमें आप इन स्टेप्स को फिट करेंगे। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर लिरिक्स में बिंदी से रिलेटेड कोई वर्ड है तो हमें वहां पर क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी लैग की पोजीशन कुछ इस तरह होगी, हमें करना है ओनली डिपिंग, बस और कुछ नहीं करना, करनी डिपिंग, 1 2 3 4, ये रहेगी हमारी लैग पोजीशन। हैंड्स का वर्क कुछ इस तरह रहेगा, हमें करना है 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, बिंदी यहां पर रहती है तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, जैसे बिंदिया चमकेगी वो बिंदिया चमकेगी। ओके फ्रेंड, ये हैंड हम कमर में भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, करना में बिंदिया चमकेगी वो बिंदिया चमकेगी। ओके फ्रेंड, तो ये तो था मेरा बिंदी से रिलेटेड स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ काजल से रिलेटेड स्टेप, लिरिक्स में जहां पर भी काजल का वर्ड यूज होता है वहां पर करना है हमें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पाँव का स्टेप, तो पाँव का स्टेप हमें ओनली 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, हमारे पाँव की डिपिंग होनी चाहिए, या हम अपने राइट लेग को उठा के ऐसे रखेंगे और ऐसे उठेंगे। ओके फ्रेंड, ऐसे मतलब हमें थोड़ा सा ऐसे उठेंगे, ठीक है, और हमारे हैंड्स ऐसे, यस। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको हैंड्स के स्टेप बताती हूँ। तो हैंड्स के स्टेप लेंगे, जैसे हम कर सकते हैं आंख में कजरा। ओके फ्रेंड, अपने हैंड्स को कमर पे भी रख सकते हैं, आंख में कजरा या आंख में कजरा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो थे मेरे काजल से रिलेटेड स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ झुमके से रिलेटेड स्टेप, जहाँ पर झुमके से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है सॉन्ग में, तो वहां पर हमको करना है। सबसे पहले मैं आपको लैग की पोजीशन बताती हूँ, तो हम सिंपली डिपिंग करेंगे 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, हैंड्स का वर्क रहेगा, अभी तक हम बिंदी को ऐसे कर रहे थे, अब हमें दोनों हैंड्स को ऐसे करना, 1 2 ऐसे, बस हमें यहाँ पर लगा के करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड, हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, झुमके के थोड़ा झुमके के पास में ले जाके हमें ऐसे करना है, ये कर सकते हैं 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको लैग की पोजीशन और हैंड्स की पोजीशंस को साथ में करके बताती हूँ। तो करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। ओके फ्रेंड, कर सकते हैं हम झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे या झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा रे। ओके फ्रेंड, तो ये तो था मेरा झुमके से रिलेटेड स्टेप। लास्ट एंड फाइनल स्टेप बताऊंगी मेहंदी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स,
हरियाली तीज में हम मेहंदी ना लगाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेहंदी के सॉन्ग में हम डांस करते हैं, मेहंदी से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो हमें क्या करना है वहां पर? तो अपने लट्स को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपसे आगे पीछे नहीं हो रहा है तो आप ओनली डिपिंग करके खड़े ही कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, हैंड्स की पोजिशन रहेगी, हम अपने हैंड्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2 3 4। ओके फ्रेंड, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, ये हम कर सकते हैं 1 2 3 4, जैसे आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो। ओके फ्रेंड, यह हम कर सकते हैं मेहंदी का, जैसे हम मेहंदी बना रहे हैं ऐसे स्टेप भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड, यह हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड, तो अब मैं आपको लेग की पोजीशन और हैंड्स की पोजीशंस को साथ में करके बताती हूँ। तो करना है हमें 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड, ऐसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, तो ये तो था मेरे मेहंदी से रिलेटेड स्टेप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इन स्टेप्स को हरियाली तीज में जरूर करें, अच्छे से रेडी होके हरियाली तीज सेलिब्रेट करने जाएं और वहां पर अपने डांस से मचा दें धूम।